वापस से आपका स्वागत है तन्नू की टोली के अंदर। तन्नू की टोली के अंदर अब हम जाएंगे लोअर परेल। लोअर परेल में मुझे कुछ काम है, वहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत विजिटिंग और थोड़ा बहुत चीज़ें दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे ज़रूरी काम आ गया है आज के दिन। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा वीडियो बनाता हूँ उसके लिए, और आपको लोअर परेल के बारे में थोड़ी सी नज़दीकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम मिलेंगे थोड़ी देर के बाद डोंबिवली स्टेशन पे टिकट काउंटर के पास, वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूंगा। ट्रेन पकड़ने के बाद मैं दादर जाऊँगा, वहाँ से फिर से मेरे को दादर से ट्रेन चेंज करनी है लोअर परेल के लिए। तो टिल देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोअर परेल या दादर के अंदर। ओके, मिसेज को भी छोड़ना है थोड़ी देर के बाद। मिसेज भी देखो माता मैया जैसी बन के वाली हुई है, बाल पूरे खुले हुए हैं, वो ऑफिस है, लंच वगैरह बना रही है। क्या क्या बनाया लंच के अंदर? आज डब्बे तीन लगाए हुए हैं, उसके लिए मैगी बनी है। मेरे लिए क्या है? कुछ नहीं, मेरे लिए ऑलरेडी बना के रखे जा रही, क्योंकि मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती, मैं रात में आके खाता हूँ। बट देखो लेके नहीं गया, ये अपने लिए कहते हैं। एक डब्बा ही, तीन तीन डब्बे लेते हैं, तीन तीन डब्बे। एक में रोटी है, दूसरी में चावल है, और तीसरी में सलाद। अरे बहुत ज्यादा खाती है भाई, लगता है मीठा खाती है। मीठे में क्या बनाया तूने अपने लिए? मैंगो। वाह बेटा, इससे क्या करेगा भैया? मेरा बेटा बोल रहा है मैं केमिकल बना रहा, तो मुझे लगा गुस्सा हो गया तो उससे मेरे को पीटने वाला था क्या? तो फिर क्या कर रहा था इसके अंदर? इसके अंदर केमिकल बना रहा था। बाबू मेरा तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए, अभी मेरा बच्चा जाएगा स्कूल। पापा को छुट्टी हो तो ये भी तो इन कर लो, टी शर्ट उसके अंदर तो इन करके रख ले। चलो मैं इसको तैयार कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको वापस से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बेटा कुछ बोल रहा है इन लोगों को? हाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, थैंक यू। उसकी कुछ कंडीशन है, वो मुझसे कुछ बोल रहा है और आप लोग उसमें कुछ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला मैंने? कहाँ पे? बिल्कुल सही बात है भाई, मेरे बच्चे को बिल्कुल बात बिल्कुल सही लगी, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि दो तीन बारिश होने के बाद उसको लेके जाऊंगा। मैंने झूठ बोला, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने झूठ बोला ही नहीं। मैंने बोला कि बारिश होने दो, बारिश हो गई तो दो चार दिन के बाद हम चलेंगे। अभी क्या है देखो, नेक्स्ट सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी ना, तो हम वाटर पार्क जरूर जाएंगे, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस रहा, क्योंकि अभी मम्मी को छुट्टी नहीं है, मेरे को भी छुट्टी है, आपका भी स्कूल स्टार्ट हो गया, लेकिन वाटर पार्क तो जरूर जाएंगे, झूठ नहीं है। हम लोग सच में जाएंगे, इसको लेके जाऊंगा, मैं आपकी वीडियो दूंगा, ओके, ठीक है भाई। मेरा बच्चा कन्विंस हो गया है, मैं उसको अगले हफ्ते जरूर लेके जाऊंगा वाटर पार्क, ओके। अगले हफ्ते क्यों? मतलब ये दो चार दिन में एक ही बात हो जाती है ना, सैटरडे संडे के बाद। सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी तो ले लेंगे ना छुट्टी, तुम्हारी तो सैटरडे संडे छुट्टी है भाई, थोड़ा सा उसको कन्विंस करना पड़ेगा भाई, थोड़ा जुगाड़ करता हूँ, बना देता हूँ उसको, ओके। टिकट निकालेंगे लोअर परेल के, और उसके बाद हम जाएंगे लोअर परेल, एक घंटे की जर्नी होगी, उसके बाद हम लोग मिलेंगे वहाँ पे। टिकट निकाल लिया है लोअर परेल का, ये देखिए अब हम पकड़ेंगे लोअर परेल के लिए, और ट्रेन भी आ गई है, हमको ट्रेन पकड़नी है जल्दी से। अब हम ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे हैं। परेल उतर गया हूँ, अब यहाँ से लोअर परेल जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेन चेंज करके फिर मैं आपको लोअर परेल में उतर के पूरी वीडियो बताता हूँ। मुझे पकड़नी है ट्रेन, निकल गई, बस भागना पड़ेगा। वो लोअर परेल पे, लोअर परेल में और परेल में ना नाम का बड़ा फर्क है, पब्लिक बहुत कंफ्यूज हो जाती है, उतरना कहाँ है और जाना कहाँ है। ऐसे मैं भी कंफ्यूज हो गया था, अब दूसरी ट्रेन पकड़ के जा रहा हूँ अपनी। देखिए भैया, हम लोअर परेल उतर गए थे, अब यहाँ से हम जा रहे हैं। दो साल पहले आया था, कहाँ जाना ये नहीं पता मेरे को, है ना? ठीक है भैया, पूछ पाछ के जाते हैं रास्ते से। मुंबई में इतना कंस्ट्रक्शन बनता है ना, रास्ते बहुत जल्दी गुम हो जाते हैं। लास्ट ईयर आया था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब देखो पूछते पूछते जाना पड़ता है। मैं आपको भीड़ दिखाना चाहता हूँ मुंबई की, ये देखिए कितनी भीड़ है। अब मुझे जाना है यहाँ से लेफ्ट, सीढ़ियों से उतर के आ गया हूँ मैं, और लेफ्ट जाना है। भगवान भला करे उस बच्चे का, उसने मेरे को बताया कि आपको सीढ़ियों से उतर के लेफ्ट जाना है। तो गाइस, पूरा दो तीन घंटा विजिट करने के बाद मैं वापस से
मेरी गाड़ी जहाँ पे पार्क है वहाँ आने वाला हूँ और आ ही गया हूँ ऑलमोस्ट। तो आज का जो सिनेरियो और ब्लॉग था ये ओवरऑल खाना और डोम्बिवली और ये देखो जूते बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मार्केट बहुत ओपन है, बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन थोड़ी सी कंजेस्टेड है, दिल्ली टाइप की लग रही है थोड़ी थोड़ी सी। मैं ज़रा रोड क्रॉस कर लेता हूँ। घूम घूम के बड़े परेशान हो गए, एड्रेस भी नहीं मिला, हमको लगी थी बड़ी जोर से भूख, तो हमने यहाँ पे ना वड़ा पाव की भर्ती खा लिया है, ठीक है। और खाने के बाद अब निकल रहे हैं अपने घर के लिए। वेलकम बैक। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आज का विजिट था ना मेरा, वो विजिट था बेसिकली नया कंस्ट्रक्शन दिखाना परेल के अंदर और लोअर परेल के अंदर। लेकिन परेल का नाम, लोअर परेल का जो नाम है ना, वो चेंज ही हो गया, वो प्रभादेवी हो गया। इतना कन्फ्यूज़न हो गया था मेरे को कि मुझे उतरना कहाँ है। मैं दो तीन व्यक्ति उसे पूछने के बाद भी मेरे डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो फिर मैं गया वहाँ पे, मैंने दो चार चीज़ें देखी, उसके लिए मैंने फोटो स्नैप भी डाले हुए हैं उसके अंदर। तो बेसिकली मेरा यही था कि आज मैं जाऊँ लोअर परेल में जो नया कंस्ट्रक्शन बन रहा है उसके बारे में आप लोगों को बताऊँ, तो मेरा यही मोटो था। लेकिन इतने दिनों के बाद, मतलब एक साल के बाद नॉर्मली मैं गया था तो मुझे खुद ही नहीं मालूम पड़ रहा कि मुझे जाना कहाँ है वहाँ पर। कोई मुझे बोल रहा है कि ये गली में जाओ, कोई मुझे बोल रहा है वो गली में जाओ, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था। एनीवे, आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा करो, सब्सक्राइब करो, आप लोगों को ये सब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।